देखो हम तो सब कुछ देखते हैं, अनुभवते हैं। जीव बेचारा, कई लोग इस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, वे अपने को बहुत समझदार समझते हैं, पहले रात और दिन पागलों की तरह पैसा कमाते हैं, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है। फिर जब एक उम्र ढल जाती है तो उसी पैसे का दान करते हैं, क्या करते हैं, दान करते हैं। फिर वो जवानी में जो तीर्थ वगैरह नहीं करते, उन सब तीर्थों की वंदना करने चले जाते हैं, फिर पूजा पाठ में लग जाते हैं। और वे क्या सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी बहुत बैलेंस में जी, जब कमाने का समय था अब बहुत कमाया, और अब धर्म करने का समय है तो क्या करते हैं, धर्म। तो वे उसको धर्म समझते हैं बेचारे, किस चीज़ को, दान देने को, तीर्थों की वंदना करने को, क्रिया कर ली, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, उपवास कर लिया, ख्याल में आया कि नहीं आया, हैं। हमारे ताऊ जी ने भी 64 उपवास कर लिए, कितने उपवास कर लिए, 64। हम तो ताऊ जी को भी जानते हैं कि भाई 64 पैसे के नहीं है, समझ रहे क्या क्या उनकी स्थिति है, लेकिन बस अब किसी ने बता दिया महाराज ने 64 रिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अपन को नहीं पता चलता, अपन ध्यान नहीं देते, चलता है कि इतने व्रत कर लोगे तो ये रिद्धि मिल जाएगी, ये व्रत कर लो, करते रहते बेचारे सच में। और उनको क्लियर कट कहते हैं कि 64 बस हो गई तो 64 रिद्धि मिलेगी, महाराज जी ने बताया था। और कितने भोले हैं बेचारे, लगे रहते। भैया इस संसार में सच्चा धर्म सुनने मिलना बहुत मुश्किल है, और उन्हें तुम और हम मूर्ख दिखते हैं, समझ में नहीं समझ में आया है। मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मेरे से घंटों बातें करेंगे, इधर की उधर की मंदिर की बुलाना, लेकिन मेरे से कभी ये नहीं कहते तुम इतना धर्म करते हो, बातें सुनाते हो, मुझे ही सुना दो तो तत्व की बात, और अगर अपन दो बातें सुनाओ तो कहते वो ठीक है नहीं छोड़ो, तुम्हारा धर्म अलग है। मुझे इतनी मजा आती है, लोग कहते तुम्हारा धर्म अलग है, मैं अपनी तरफ जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ, अजमोल कहते तुम्हारा धर्म अलग है, तुम तो अलग हो गए। क्या करें बताओ, अब मैं क्या समझाऊँ। मैं कहता ठीक है भैया वैसे ही चलता है, ऐसे चलता है, क्या करे पता ही नहीं है कुछ भी, जो जैसी तो है ऐसी भ्रांति। अब सोचो बात, ऐसी भ्रांति में वे जीते हैं तुम्हें उन पर करुणा आती कि नहीं आती, हंसी आती कि नहीं आती। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान को अपने पे हंसी आती, वो कहते हैं पता नहीं कौन सी भ्रांति में जीता है। देखो एक कुटुंब परिवार भिन्न है कि नहीं, अपने सामने इनका वियोग होता है कि नहीं, बोलो नहीं होता क्या है। जवान लड़का नहीं मर जाता, बाप नहीं मर जाता, उसका बाप नहीं मर जाता, अरे देखते हो कि नहीं देखते, पत्नी नहीं मर जाती, तो प्रत्यक्ष बिंदु दिखता है ना कि संयोग का वियोग हो जाता है। फिर भी आचार्य कहते सारा एकत्र करके उसी में बैठा रहता है, कमाल है बिल्कुल।